सीएम शिवराज इस वक्त नैनीताल से लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बड़ी देर करी मेरी दीदी का कांग्रेस में पड़ी थी भाई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में योगी हमारी उम्मीदवार बड़ी योगी भारतीय जनता पार्टी हमारी सत्ता आर्या जी, मंडल के अध्यक्ष आनंद विष्ट जी, बहन शांति मेहरा जी, भावना जी, विवेक शाह जी, मनोज जोशी जी, भुवन जी, दया किशन जी, हरीश जी, अब भैया मुझे माफ करना, सभी सभासद वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी बैठे हैं, लेकिन मेरी यमुनोत्री में भी सभा है और पायलट बीच में कह रहा था फॉग हो गया नहीं उतरेंगे, मैं क्या नैनीताल तो जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, तो अब यहाँ तो उतर गया लेकिन मैं वहां भी पहुंच जाऊं। इससे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं देव भूमि को प्रणाम करता हूं, सचमुच में अद्भुत धरा है ये तो देवी और देवताओं की देव भूमि है, ये ऋषियों की महर्षियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, जिनने देश की सेवा के खातिर अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड के नौजवान ने बंदूक उठाई और सीमा पे जाके अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दुश्मन को ढेर किया और अगर कभी गोली खानी भी पड़ी तो पीठ पे नहीं खाई, हमेशा सीने पे गोली खाई, हमेशा सीने पे गोली खाई। इसी धरती के बेटे, उत्तराखंड की पवित्र धरती के बेटे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान करके भारतीय सेना को बहुत मजबूत बनाया, जनरल बिपिन रावत जी, और ये चार मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज अटल जी भी याद आ रहे हैं, अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और मोदी जी आपने उत्तराखंड संवारा, और मोदी जी है दीदी बता रही थी वर्चुअल रैली में कह दिया कि यहां से कहां तक रोक दे, नैनीताल से हनुमानगढ़ तक पर्वत, साठ गोदाम से हनुमानगढ़ तक, चिंता मत करो दीदी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पुल पुलियों से लेकर रोप वे तक सब बनाएगी, चिंता मत करो, ये विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस आज बात कर रही चार धाम, कभी तुम्हारी सरकार की चार धाम का ध्यान क्या, दीदी भी उधर ही थी, दीदी कभी ध्यान दिया चार धाम का? अरे कांग्रेस के चार धाम बता दूं मैं तुम्हें, भारत के चार धाम को बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, जमुनोत्री धाम, लेकिन कांग्रेस के चार धाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नहीं उसके बाद जो बेटी हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी, और रॉबर्ट वाड्रा जीजाजी धाम। हम बना रहे हैं सैन्य धाम, सैन्य धाम, पांचवा धाम बन रहा सैन्य धाम, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है चार धाम चार काम, इनके चार काम की आज बात कर रहे हैं, कह रहे 40,000 लोगों को 40,000 रुपया 5 लाख को देंगे। अरे राहुल बाबा, राजस्थान में तुम्हारी सरकार ने ढेला दिया तुमने, पंजाब में ढेला दिया तुमने, छत्तीसगढ़ में दिया तुमने, अगर देते तो सब जगह देते कि नहीं देते बताओ, अरे जोर से बताओ देते कि नहीं, ये वहां भी झूठ बोले, सबको 40,000 देंगे, सबका कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, एक नया पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, एक नया पैसा नहीं दिया, ये झूठ बोलने के आदि हैं। रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, भा दिया किसी को, नौजवानों को मूर्ख बनाने आकर, अरे आज इंटरनेट का जमाना है राहुल बाबा, मोबाइल पे सब पता चल जाता है कहां क्या हो रहा है, तुम हमें मूर्ख समझते हो? इनके चार काम, पहला काम वंशवाद, वंशवाद, नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, उसके बाद फिर सोनिया जी, उसके बाद फिर राहुल जी, उसके बाद फिर प्रियंका जी,
और कोई मिलता ही नहीं, आप बताओ आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी देखो शुरू से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, मोदी जी, अमित जी, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आए, शिक्षक के बेटे थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले के बेटे, आज भारत के प्रधानमंत्री है। और हमारे पुष्कर धामी एक सैनिक के बेटे, आज मुख्यमंत्री है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ और चौथी बार मुख्यमंत्री हूँ। ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी में होता है। और वहां हरीश रावत, अनुपमा रावत, श्रीमती जी का नाम मुझे नहीं पता, रेणु रावत और बेटे का पता है बहन जी का, अपने अलावा कोई को पनपने नहीं देंगे। मैं लड़ूंगा, मेरी बेटी लड़ेगी, मेरी पत्नी लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा, बाकी सब भाड़ में जाए। हाँ वो हमसे भी गलती हो गई थी दीदी, ये नाम ले रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे नहाना पड़ेगा। देखो अरे महापाप किया, बताओ आते यहां कह रहे थे दम घुट रहा है, हरीश रावत मारे डाल रहा है, बचाओ मोदी जी, बचाओ मोदी जी। अब आज तो नाम ले लू ठंडे फिर भी स्नान कर लूंगा क्या, यशपाल आर्या और संजीव आर्या भारतीय जनता पार्टी की शरण में आई, घुटन हो रही है। हमने अनुसूचित जाति का सम्मान किया और पहली बार परंपरा तोड़कर दोनों को सुकृत किया। लेकिन ये ऐसे धोखेबाज निकले, अरे और तो और इन्होंने मोदी जी को ही धोखा दे दिया, पार्टी छोड़ के चले गए थे। चले क्यों गए पता है? इनने कभी जनता की चिंता ही नहीं की, नैनीताल की जनता की चिंता की। अरे जोर से बताओ तरीका, किसी के सुख दुख में काम आए, किसी का दुख दर्द जाना, अब कुछ किया ही नहीं। इनका तो टिकट साफ होने वाला था, पता चल गया कि टिकट देगी नहीं पार्टी, इसलिए ये पार्टी छोड़ के भाग गए। अच्छा युवा पार्टी मुक्त हो गई इनके पाप से। लेकिन वहां तो यही है, कांग्रेस में तो यही है। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बता तो चाहे। अजब पार्टी है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ विकास कर रही है। मुझे कहते हुए गर्व है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं तो कई सालों से मुख्यमंत्री हूं, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया में कहीं नहीं होता था। मैं जाता था तो लोग कहते भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी भारत के मामले में। जब कांग्रेस की सरकार थी, खा गई कांग्रेस की सरकार पूरे देश को लूट लिया। लेकिन आज जब मैं दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो लोग कहते ये तो भारत क्या है, मोदी का भारत, और विदेशों में भी मोदी 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 मोदी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी, ये भारत का मान है। ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत की 130 करोड़ जनता का सम्मान है मेरे बहनों और भाइयों। आज दसों दिशाओं में देश का विकास हो रहा है। राहुल बाबा कहते हैं मोदी ने दो भारत बना दिए, अरे भारत के दो टुकड़े किए थे राहुल गांधी, तुम्हारी कांग्रेस ने, नेहरू जी थे 1947 में दो टुकड़े तुमने किए, 62 में चीन ने आक्रमण किया, हमारे देश की जमीन दबा दी, कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई, वो तब का भारत था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, क्या मजा है कि कोई माई का लाल भारत माता की तरफ हाथ उठा के देखी। चीन ने अगर जरूरत की गलवान में घुसने की कोशिश की भारत भूमि पे, तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सेना में सीमा में फेंक दिया। ये मोदी का भारत है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। अपने उत्तराखंड को देख लो मेरे बहनों और भाइयों, ऑल वेदर रोड, मेरी बहनों ईमानदारी से बताना इतनी रोड कभी कांग्रेस के जमाने में बनी क्या? 12,000 करोड़ से चारों धाम जोड़े जा रहे हैं, गांव गांव सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तराखंड में अब तो रेलवे कनेक्टिविटी, रेल की पटरियां बिछ रही है,
और रेल कनेक्टिविटी नहीं, उससे आगे रोपवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी। धन्यवाद मोदी जी, धामी जी, तुमने उत्तराखंड को जोड़ने का काम किया है। दसों दिशाओं में विकास। मेरी बहनों, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी पहाड़ों में पीने के पानी की चिंता की? कितने दूर दूर से मेरी बहन पानी लेके आती। हाँ, सही कह रही मेरी बहन, नहीं की क्या, कहां से पानी लेके आती। पहली बार ये अभियान चल रहा है मेरी बहनों के लिए, हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के, पहाड़ों की चोटी पे बसे गांव में भी पानी देंगे। बहन टोटी खोलेगी तो घर घर पानी आएगा और सारे बर्तन भर जाएंगे। कभी किया था मेरी बहनों? किसानों को किसान सम्मान निधि की बात कर रही थी मेरी दीदी, किसान सम्मान निधि 6,000, गरीब किसान की बड़ी बात होती है। और अब तो पुष्कर धाम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया, 6,000 मोदी जी देंगे तो 6,000 धामी जी भी देंगे, 12,000। मेरी गरीब बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है गरीब परिवार की मुखिया बहन को 500 रुपया महीना अलग से दिए जाएंगे, 500 रुपया महीना, ताकि परिवार ठीक से चल सके। असंगठित मजदूर बहनों और भाइयों, तय किया मेरी भारतीय जनता पार्टी ने 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में 6,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी, ताकि बुढ़ापा ठीक से कट सके। फ्री में राशन देने का काम चल रहा है। कभी खिलाया था राहुल बाबा तुमने फ्री में राशन? बात कर दो, मोदी ने 2 भारत बना दिए और कहते मैं डरता नहीं हूं। अभी तुम्हें डरा कौन था? मैं डरता नहीं हूं। अब ये संसद में बोल के भर जाते हैं, पता नहीं चलता क्या चले गए। राहुल गांधी कन्फ्यूज भी है और फ्यूज भी है। उनकी मानसिक आयु केवल 6 साल, समझ में नहीं आता उनको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बीच बीच में देश से ही गायब हो जाते हैं। और हरीश रावत यही कहते थे, ट्वीट अभी हरीश रावत के देखो, कांग्रेस में मगरमच्छ घुसे आए हैं, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अरे हमारी पार्टी के नेता तो है श्रीमान नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी, भारत में भगवान का अवतार, भगवान का वरदान है भारत के नरेंद्र मोदी। हमको गर्व है हमारे नेता पे, जो ढंग से वो देश को आगे बढ़ा रहे। और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर धामी। आज कह रहे हमारा नेता प्रदेश का पुष्कर धामी, नौजवान है, युवा है, दिल में जिद, जनून और जज्बा है जनता की सेवा करने का, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो दिन और रात काम करेंगे और 9 महीना में आपने देखा दिन और रात एक करके पुष्कर धामी ने चमत्कार करके बता दिया। पुष्कर का मतलब तालाब सरोवर, और कमल तालाब में ही खिलता है, सरोवर में ही खिलता है। ये विकास का कमल खिला रहा है धामी, लेकिन तुम्हारा नेता तो उन्हें बता दो तो। अगर कहो उत्तराखंड में कौन मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सभा में कह दो मुख्यमंत्री जी तो 25 से खड़े जाते हैं। जी नहीं हूं हरीश रावत, दीदी को ज्यादा नाम याद होंगे, मुझे तो याद होंगे। कौन है गोडियाल? गणेश गोडियाल, प्रीतम सिंह, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खींच रहा है, ये आगे नहीं जाए, ये आगे नहीं जाए, ये आगे नहीं जा जाए। एक बार कैकड़ों की प्रतियोगिता कराने का किसी ने सोचा, और एक बर्तन में कैकड़े डाल दिए, बर्तन गहरा था, बोले देखो कौन सा कैकड़ा फंसता था, सबसे पहले कौन निकलता है। अब बड़ी देर होगी कैकड़े निकल ही नहीं जाते, निकाल चक्कर क्या है। जब देखा गहराई में जाकर तो पता चला एक कैकड़ा दूसरे कैकड़े की जान पकड़ पकड़ के खींच रहा है। कांग्रेस में भी यही हो रहा है, गोडियाल और कौन प्रीतम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको धीरे धीरे, एक दूसरे की भाइयों को भी जय श्री राम। यार तो यहां तो खिंचाई चल रही है, एक दूसरे की मारकाट पर ही आमदार। और जो यहां का उम्मीदवार है वो तो मुझे पता चला यहां का है ही नहीं,
बताओ वो यहाँ का है क्या? और सरिता दीदी कहाँ की है? यहीं की बेटी। कितने किलोमीटर गांव है दीदी? अगली बार आऊंगा तो रोटी खाने आऊंगा, मामी को भी संग लाऊंगा। यहां से 9 किलोमीटर दूर ही रहती है। और वो तो वहां से आते हैं हल्द्वानी से। अरे ये तो ठहरे परदेसी साथ, क्या समझ आओ नैनीताल वालों, ये परदेसी काम नहीं आने वाले। काम आएगी तो अपनी दीदी सरिता आर्य ही काम आएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की टीम काम आएगी। मैं आज आपसे विनम्र अपील करने आया हूं, लेकिन हम तो जनता के सेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। दम और अहंकार से सर्व पर दूर, आज नैनीताल की धरती पर आपसे भी प्यार की वर्षा करने आए हैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। मैं सच कहता हूं, कांग्रेस में कोई कम नहीं बची है। कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कांग्रेस को जिताने का कोई फायदा नहीं है, और कांग्रेस को निपटाने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, राहुल बाबू काफी है। देखो गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, देश की आजादी की लड़ाई लड़नी थी, अब कांग्रेस को भंग कर दो। लेकिन नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस भंग नहीं की। अब राहुल गांधी ने कसम खाई है कि मैं बापू के सपने को साकार करके दमरूंगा, कांग्रेस जब तक समाप्त नहीं हो जाती मैं चैन की सांसें ले लूंगा। और इससे ऐसी कांग्रेस के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा निवेदन है विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, नैनीताल को और आगे बढ़ाने के लिए, माताओं बहनों के उत्थान के लिए, गरीबों को गरीबी मिटाने के लिए, और नौजवान बेटे बेटियों मैं आज कहकर जा रहा हूं मामा, 24,000 भर्तियां तो दोबारा सरकार बनते ही फटाफट हो जाएगी। 50,000 भर्ती हम करेंगे, हम वैसे भी रोजगार देंगे शासकीय सेवा में नौकरियों के माध्यम। और उसके अलावा मोदी जी के नेतृत्व में धामी जी कितने पर्यटन से लेकर दूसरे उद्योगों में अवसर पैदा करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलता चला जाएगा, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और नैनीताल वालों से मैं माफी मांगता हूं, पिछली बार गलत आदमी को टिकट दे दिया था, उसने कभी यहां की चिंता ही नहीं की, अब हमने गलती सुधार ली है।